उनका। प्रीता, प्रीता, मैं इनके सारे टेस्ट करूंगी और हो सकता है मैं ही वो लकी डॉक्टर हूँ जो आपको ये गुड न्यूज देंगी कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो गया तो वो राज खुल जाएगा, वही राज जो मैंने कब से छिपा रखा है। जब तक वो राज छिपा है ना, तब तक मेरी लाइफ इस घर में सेट है। अगर वो राज खुल गया तो मैं इस घर की तो क्या, अपनी जिंदगी की भी नहीं रहूंगी। इनफैक्ट मैं कहीं की भी नहीं रहूंगी। तब तो मेरा फ्यूचर पक्का ही बर्बाद है। कल रिपोर्ट्स आने वाली है, मतलब सबको पता लग जाएगा कि प्रीता की कोक सूनी नहीं है, वो मां बन सकती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या करूं, क्या करूं मैं, क्या करूं, क्या करूं, क्या लगा रखा है? ऐसा कौन सा तूफान आ गया तुम्हारी लाइफ में, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। नो थैंक्स। हाँ, बट यू नो व्हाट, मैं सोच रही थी कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी भी लाइफ इस घर में सेट हो जाए। लाइफ सेट करने के लिए क्या चाहिए? मुझे जो चाहिए वो चाहिए, तुम ये बताओ कि तुमको क्या चाहिए। बेबी तुम फिक्र मत करो, मैं कल नॉल से जाके मिलूंगी और फिर वो तुमसे आकर मिलेगा और फिर तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकाल लूंगी। मुझे जो चाहिए ना वो थोड़ा पर्सनल है, लेकिन तुम तो बताओ आखिर तुम्हें क्या चाहिए? कुछ नहीं। जब इंसान कहता है ना कि उसे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, तो उसे बहुत कुछ चाहिए होता है। जब देखो मेरे ही पीछे क्यों पड़ी रहती हो शर्लिन, तुमने मुझे तंग करने का ठेका ले रखा है। बदतमीजी से बात मत करो मुझसे। तो रियली, मेरे पास भी ना ये सब फालतू बातों का टाइम नहीं है। अपने आप से करती रहो ये बातें। सोनाक्षी करण और प्रीता के साथ हॉस्पिटल गई थी, वहां पे कुछ तो हुआ है। सोनाक्षी कुछ तो गड़बड़ करने वाली, लेकिन क्या? अरे करण, क्या हुआ, किसी को ढूंढ रहे हो क्या? नहीं तो, प्रीता के पास जा रहा हूँ। क्यों? प्रीता वो तो घर पे ही होगी, कहाँ जाएगी? तो मैंने कब कहा कि घर पे नहीं है? मैं कह रहा हूँ मैं उसके पास जा रहा हूँ, उससे मिलना है अभी इसी वक्त। तो वो कौन है, मैं कहाँ में कहाँ? जब देखो प्रीता प्रीता प्रीता, एक मिनट के लिए प्रीता इधर से उधर क्या हो गई, पागलों की तरह उसे ढूंढने लग जाता है। I just hate it. पता नहीं उस प्रीता में ऐसा है क्या? No worries. कल शाम तक आपको सारे रिपोर्ट्स मिल जाएंगे एंड इट विल बी वेरी क्लियर टू अस। मम्मा सी, दिस इज द वॉच आई ऑर्डर्ड।
Nice. अच्छी लगी ना आपको? Very good color. आपके लिए भी order कर लूं? I don't mind. करीना बुआ, आपको भी पसंद है? नहीं, same same हो जाएगा. पर भाभी के लिए order करता हूँ. हाँ ठीक है, okay. वैसे एक्चुअली एक बात बताऊं करीना बुआ, जो लोग लेट उठते हैं ना वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते. ये लड़की ना थक चुकी हूं मैं इसे समझा समझा के, मेरी बात ही नहीं सुनती. भाभी आप बात करो इसे, शायद आपकी बात सुन ले. करीना दी, अब मैं क्या समझाऊं? आप क्या समझाओ, मतलब आप ही की बात तो समझती है. क्यों, मॉम की बात समझती है ना तू? शोलन, तुम्हें पता है तुम ना मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती हो. एटलीस्ट तुम मेरी फैमिली की तरह मुझे नॉर्मल फील कराने की कोशिश तो नहीं कर रही कुछ भी बोल के, जैसे मेरी फैमिली कर रही है. कुछ भी बोले जा रही है जस्ट टू मेक मी फील नॉर्मल. ए पगलू, कैसी बातें कर रही है तू? किसने तुझसे कहा कि तू नॉर्मल नहीं? तू नॉर्मल ही तो है. क्या हुआ तुझे? कुछ भी नहीं हुआ, जो होना था वो हो गया है. बच्चे, move on in your life, bring a smile on your face. दोबारा लाइफ में कभी मत बोलना कि तू नॉर्मल नहीं है. हम सब तेरे साथ हैं ना, मॉम तेरे साथ है, करीना बुआ तेरे साथ है, मैं तेरे साथ हूँ, शलिन तेरे साथ है, प्रीता जी तेरे साथ, हम सब तेरे साथ हैं. कुछ नहीं होगा तुझे, है ना? हाँ भैया, बिल्कुल ठीक हूँ मैं. क्या होगा मुझे? हाँ, अगर पृथ्वी जी एक अच्छे इंसान होते और नेक दिल इंसान होते तो शायद बहुत दुख होता मुझे, टूट जाती मैं. पर वो तो शैतान निकले, घटिया इंसान निकले, अपना समझा था. और जो इंसान अपना है ही नहीं भैया, उसके लिए दुख फील करने का क्या फायदा, उसके लिए रोने का क्या फायदा. I'm fine. I'm okay. बेटा, कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, बिल्कुल सही कहते हैं. कृतिका, आज साल का नया दिन है, माता रानी करे ये साल तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो, खुशियों से भरा साल हो ये तुम्हारे लिए. बताओ ये बातों में मैं भूल गया कि आज एक्चुअली न्यू ईयर है यार. हैप्पी न्यू ईयर एवरीबॉडी, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर मम्मा, हैप्पी न्यू ईयर बेटा, हैप्पी न्यू ईयर करीना बुआ, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू शैलेन, हैप्पी न्यू ईयर. मम्मा, मामी जी, क्या हुआ था कल रात को? मैं इस घर की बेटी हूँ राइट? भाभी, भाभी भी इस घर की बेटी जैसी है ना? आप लोग जितना मुझसे प्यार करते हैं भाभी से भी करते हैं राइट? तो कल क्या हो गया था आप लोगों को? आप लोगों ने भाभी पे इतना ज्यादा गुस्सा कर दिया, इतना डांट दिया उन्हें, क्यों? नहीं करना चाहिए था आपको, मुझे पता लगा, मुझे बहुत बुरा लगा इस बात का. क्यों करते हैं आप लोग ऐसा भैया? दिस इज जस्ट रॉन्ग. भाभी पीहू की जान बचाने के लिए आग में कूदी थी. आई अंडरस्टैंड सोनाक्षी ने भी वही किया था, लेकिन आप इस तरह भाभी को डांट थोड़ी सकते हैं. भाभी पीहू से बहुत प्यार करती है. आई अंडरस्टैंड, फाइन, सोनाक्षी ने पीहू को जन्म दिया है, वो उसकी मम्मा है, लेकिन भाभी, भाभी पीहू से सबसे ज्यादा प्यार करती है, ये भी हम लोग जानते हैं राइट? आप एक माँ की ममता को कंपेयर कैसे कर सकते हो? दोनों ही पीहू की मदर्स है. आपको इस तरह से भाभी को नहीं डांटना चाहिए था. आई मीन, भाभी जब भी इस घर के लिए कुछ अच्छा करती है आप लोग उनकी तारीफें करते हैं. एक गलती होती है भाभी से, आप लोग सब मिलके उन्हें इतना डांटते हैं, जलील करते हैं. व्हाई? कोई मेरे साथ ऐसा करता आपको अच्छा लगता? बताइए. इट्स रियली रॉन्ग मम्मा, मामी जी. एक्चुअली बहुत गलत बात है, सिर्फ तू ही यहाँ पे समझदार. पर तू कहाँ थी कल रात को? अगर तू होती ना तो जिस जिसने भी उनको डांटा था तो उनको डबल डांटती, तो अपने आप सब लोग समझ जाते. ऋषभ बेटा एक मिनट, तुम अच्छी तरह से जानते हो ना कि मेरी बेटी प्रीता से कितना प्यार करती है. उसके बारे में कुछ भी सुनेगी तो और टेंशन हो जाएगी उससे, इसीलिए मैं इसे समझाती हूँ. देखो बेटा, अगर छोटे गलती करते हैं तो बड़े उन्हें समझाते हैं ना. प्रीता ने गलती की थी तो हमने उसे समझाया, बस इतना ही हुआ. तुम बिल्कुल इस बात की टेंशन मत लो. आज न्यू ईयर का फर्स्ट डे है ना, फर्स्ट डे पे अगर अच्छी अच्छी बातें करेंगे तो पूरा साल अच्छा जाएगा. अगर वेकेशन पे चले जाओ तो उससे भी ज्यादा बेहतर होगा. विल यू कम विद मी फॉर वेकेशन? जगह तो डिसाइड कर, बुकिंग सारी मैं करता हूँ. बोल, आई थिंक यू विल बी अ गुड कंपनी, चलेगी मेरे साथ?
ये बात तो सच है, मेरी कंपनी बेस्ट है। चलूंगी ना भैया, जरूर चलूंगी आपके साथ। बस तू मुस्कुराती रहे, ऐसे बड़ी सी स्माइल अपने फेस पे रख। दिस इज ऑल वी वॉन्ट। ओके, ये बता, देख इतनी सच्ची बात बोली कि मेरा फोन। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? क्या हुआ भैया, ऑल ओके? मेरा ऑफिस स्टाफ मुझसे पूछ रहा है कि सर आर यू ड्रंक? अब इसका क्या रिप्लाई करूं? ब्रेकफास्ट करें? हाँ प्लीज, आई एम हंग्री। चलो चलो बेटा, जाओ कृतिका, अपने भाई के साथ जल्दी से वेकेशन पे जाओ। उसके बाद मैं अपनी पुन्नू बेबी के दिल खोल कर हेल्प कर सकूंगी। राखी माँ आइए ना। क्या बात है राखी माँ, आप परेशान लग रहे हैं, कुछ टेंशन में हैं? डेकोरेशन की टेंशन हो रही है ना, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, कल तक पूरी डेकोरेशन निकल जाएगी। वो डेकोरेटर की आज तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए। प्रीता मैं डेकोरेशन के बारे में नहीं सोच रही, कोई और बात है। वो कल मैंने तुमसे गलत बात किया पीहू को लेके, तुम्हें जरा सा भी गुस्सा नहीं आया? आप मेरी माँ हैं, माँ पर कभी गुस्सा आता है? माँ पे तो सिर्फ प्यार आता है। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन जैसे मम्मी जी, करीना दी और मैंने तुमसे बात की, वो गलत था। नहीं, कुछ गलत नहीं किया, वो लोग मेरे बड़े हैं, वो मुझे कुछ भी कहेंगे उसका बुरा मुझे नहीं लगेगा, कभी नहीं लगता है। आप टेंशन मत लीजिए, मुझे किसी बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। इनफैक्ट मुझे तो बहुत अच्छा लगा राखी माँ कि घर में सबको पीहू की इतनी टेंशन है। मतलब अब तो मुझे लगता है कि मैं पीहू के साथ नहीं भी होंगी तो उसकी चिंता करने वाली बहुत सारी माएं इस घर में हैं जो उसे माँ की तरह प्यार करती हैं। पीहू को कभी कुछ नहीं होने देंगी। ये सब देखकर मेरा मन तो उल्टा खुशी हो गया। नाना ऐसी बातें कभी मत करना पुत्र, तू हमेशा पीहू के साथ रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? गलत बात। अच्छा ठीक है, और आप भी बिल्कुल टेंशन मत लिया कीजिए, मुझे अपने बड़ों की बातें बिल्कुल बुरी नहीं लगती। ठीक है, तू कहती है तो तेरी बात मान लेती हूँ। हो सकता है बातें सही हो, लेकिन बोलने का तरीका वो गलत था। प्यार से ही बोला था। लेकिन मम्मी जी, करीना दी, उन्होंने तो बहुत। तो वो तो मेरे बड़े हैं, मैंने आपको कहा ना, मुझे बुरा नहीं लगा। आप बिल्कुल मत सोचिए इस बारे में, भूल जाइए, मैं भी भूल गई। ये ऑफिस के काम से मैं कितना थक जाता हूँ। हम नहीं कर रहा लूट रहा है ना, मैं क्रिकेटर बिजनेसमैन थोड़ी ना। बातें कर रहे हैं आप लोग तो बाहर जाके कीजिए ना प्लीज, मैं थोड़ा सा आऊंगा। करण, वो गिरीश अभी आया था, वो कह रहा है कि ऑफिस का स्टाफ अपनी वाइफ के साथ यहाँ पे मिलने के लिए आया है, मुझे क्यों? तेरे क्या हुआ? मैंने उनको बोला था कि घर में दिवाली आफ्टर पार्टी है, आ जाना, तो मुझे तो याद ही नहीं रहा। पार्टी है? हाँ। किसकी? ऐसे मैंने इनफॉर्मली उनको इनवाइट किया था बस, मुझे क्या पता था वो लोग आ जाएंगे यार। क्या हुआ? तुझे लगा कि वो नहीं आएंगे? ऐसा लगा तुझे? नहीं, मैं भूल गया बस। तू बॉस है मेरे भाई, तू बॉस है, तू अगर अपने स्टाफ को बोलेगा कि भाई मेरे घर में पार्टी है, आओ, वो कैसे मना करेंगे? वो कैसे नहीं आएंगे? आएंगे ही ना। अरे लेकिन बॉस तो तू है ना। लेकिन तू भी तो है ना। करण तू कहीं पागल वागल तो नहीं हो क्या पुत्र? तू अपने ऑफिस स्टाफ को इनवाइट करके आया है और हमें बताने की जरूरत भी नहीं समझी, और वो लोग आने वाले हैं पार्टी करने। पार्टी का मतलब समझते है तू? खाना पीना, ड्रिंक्स, डेकोरेशन, म्यूजिक, अब इतने कम समय में इतना सारा इंतजाम कैसे होगा? डेकोरेशन तो हुई है ना राखी माँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अब अगर लोग आ ही गए हैं पार्टी के लिए तो पार्टी के साथ उन्हें म्यूजिक, डांस, स्नैक्स सब देंगे और मैं सब मैनेज कर लूंगी। Are you sure? आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। Get up. नसीब वाला है जो तुझे ऐसी बीवी मिली है। मैं जाके फैमिली को इन्फॉर्म करके आती हूँ। हो गया ना, सॉरी, रेडी हो जा। Happy New Year. Hello, namaste. Happy New Year. Please welcome.
और इस अचानक से पार्टी रखता है, इसे तैयार होने का पूछ जालन। ऋषभ के ऑफिस के फ्रेंड्स आए हैं। लेकिन बुआ, इसे अचानक से पार्टी कौन रखता है? मैं ठीक से तैयार भी नहीं हो पाई। बेटा, तुम करण को जानती हो ना, कैसा है वो? उसे लोगों को सरप्राइज देना अच्छा लगता है। अब चलो। नमस्ते। हेलो, नमस्ते। राखी पुत्र। जी मम्मी। ये लूथरा परिवार में पहली बार हुआ होगा कि मेहमानों को तो पता है पार्टी है, लेकिन घर वालों को नहीं पता। कमाल है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए मेहमान आ रहे हैं, चलिए उनको रिसीव करते हैं। चल पुत्र। नमस्ते। हाय। हेलो। हाय। ये मेरे ऑफिस का स्टाफ, एंड दिस गाइस ब्रिलियंट इन हिज जॉब। मैम, आपको पता है सर ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि जब भी सर ऑफिस आते हैं तो आई मेक श्योर कि मैं इनके केबिन में कभी भी किसी को भी ना जाने दूं। वो मुझे काम करने की आदत नहीं है ना, यू नो दैट। वन सेकंड गाइस। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। प्रीता, इतने कम वक्त में इतनी अच्छी तैयारी कर ली, थैंक यू सो मच। राखी माँ, दादी, ये डेकोरेशन तो कल का ही है। अच्छा हमने निकाला नहीं तो आज काम आ गया। अच्छा अब आप मेहमानों को अटेंड कीजिए, मैं ना किचन में जाकर काम देखती हूँ। ओके। ठीक है, ओके। प्रीता, वो कोरियर बॉय को फोन था, रिपोर्ट्स कोरियर हो चुकी हैं, बस आती होंगी। क्यों? मैंने कहा रिपोर्ट्स आ रही हैं, अभी आई नहीं। हेलो, कल तक तो तुम अपना चेकअप भी नहीं करा रही थी और आज रिपोर्ट्स के लिए इतनी डेस्परेट, हुआ क्या? हाँ करण, क्योंकि मुझे ना मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट देखनी है। क्या हुआ? हाँ कुछ नहीं, वैसे ही अब टेस्ट कराओ तो रिजल्ट्स की नर्वसनेस तो होती है ना, नेचुरल सी बात है। मिसेज लूथरा, तुम सबकी कितनी केयर करती हो ना, अपना भी थोड़ा ख्याल रखा करो, स्पेशली अपनी सेहत का। यू नो हेल्थ इज वेल्थ एंड वेल्थ इज करण लूथरा। बस तुम ऐसे ही देखती रहो और जिंदगी ऐसी गुजर जाए। अच्छा, तुम्हें देखती रहो जिंदगी भर, तो मेहमानों को कौन देखेगा? Everyone, thank you so much for coming to our New Year party. आज मुद्दतों के बाद इस घर में इतनी रौनक आई है। And yes, New Year का पहला दिन है आज, तो let's celebrate this day with dance and some nice music. अच्छा हाँ, और एक और humble request, आज के दिन especially आप अपने ऑफिस की टेंशन और कोई टेंशन, पर्सनल लाइफ की टेंशन सब भूल जाइए और म्यूजिक और डांस को दिल से एंजॉय कीजिए। एंड यस, हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। करण, I'm sorry, मैं डांस नहीं कर सकती। वो जैसे मेरे हाथ में चोट आई है ना, पैर में भी थोड़ी लग गई थी। It's okay. You okay ना? I'm sorry. कोरियर जी, थैंक यू।